इसके बारे में सब पहले से लोग जानते थे कि भाजपा के ही साथ रहेगा, उनके ऊपर है इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीते दिन इसी विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कल की, किस तरीके से मुकेश सहनी के जो तीनों विधायक हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि उन तीनों विधायकों का भी यही कहना है कि हमारी जो पहले से बातें थीं वो बीजेपी से ही थीं, बीजेपी के साथ ही हम थे। हालाँकि जब 2020 का चुनाव हुआ तो हमें VIP के सिम्बॉल से लड़ना पड़ा। हालाँकि इसके बाद बिहार की घटनाक्रम जो है वो काफ़ी अलग तरीके से बदल रही थी और ऐसे में आज बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि वो तीनों विधायक जो थे वो पहले भी बीजेपी के थे, बीजेपी खेमे से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अगर अब बीजेपी में वो आए हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर मुकेश सहनी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो पहले वो समझ लें कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तब वो अपने उम्मीदवारों को क्यों नहीं लड़ाए, ताकि बीजेपी को क्यों उतरवा दिए। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया है कि अब इस्तीफे की बात जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह सकते हैं क्योंकि उनके पक्ष की बातें हैं। हालांकि हम ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी NDA गठबंधन में रहें। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, पहले आप ये सुने। जो मुकेश जी के साथ चार विधायक थे जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो तीन शेष बचे हुए माननीय विधायक थे उनके बारे में सब पहले से लोग जानते थे कि भाजपा के ही साथ रहेंगे और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है, हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की यही स्ट्रेटजी रही है, अरुणाचल में JDU के साथ हुआ, LJP के सांसदों को तोड़ा गया। जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये VIP के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए और वही लोग जीते, ये तो उनके घर की वापसी है और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस्तीफा नहीं देंगे बोले कि हम इस्तीफा, ये तो उनके ऊपर है इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री ये बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो NDA में बने रहे। तो आपने बयान में सुना कि मदन सहनी का कहना है कि NDA के गठबंधन में मुकेश सहनी रहे। हालांकि जो तीनों विधायक हैं जो बीजेपी में आ गए हैं उनको लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया और यह भी कह दिया है कि अगर इतना ही दिक्कत था मुकेश सहनी को तो 2020 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों उतार दिया, वो अपने कैंडिडेट को भी उतार सकते थे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।